एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। नन्ही सी चींटी के लिए उसका प्रत्येक दिन बड़ी मुश्किलों से भरा हुआ रहता है। छोटी सी होने के बाद भी वो कैसे डटकर मुकाबला करती है इन सब का, क्या आपको मालूम है? आइए इस नन्ही सी चींटी के साथ एक रोमांचक यात्रा पर चले। कहानी का शीर्षक है दाल का दाना। लेखक सर्वेंद्र विक्रम और चित्र बनाए हैं शुभश्री माथुर। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। एक चींटी खाने की खोज में घूम रही थी। चींटी को रसोई घर में अंकुरित मूंग दाल का एक दाना मिला। अंकुरित मतलब स्प्राउट। चींटी उसे उठाने लगी, लेकिन दाना बहुत भारी था, उठा ही नहीं। चींटी दाने को खींचकर अपने घर की ओर ले जाने लगी। उसका घर वहां से बहुत दूर था। रास्ते में नल से पानी गिरकर बह रहा था। चींटी को लगा कोई नदी बह रही हो। चींटी ने किसी तरह उस नदी को पार किया। चींटी दाने को लेकर आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे बाल्टी मिली। चींटी दाने को लेकर बाल्टी पर चढ़ने लगी, लेकिन फिसल कर गिर पड़ी। वो फिर चढ़ने लगी, लेकिन फिर फिसल कर गिर पड़ी। वही उसे एक दूसरी चींटी मिली। दोनों ने एक दूसरे का मुंह छुआ, बात की, उन्होंने बाल्टी का चक्कर लगाया और दाने को खींचकर घर ले चली। रास्ते में एक औरत झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू के जोर से चींटी दूर जा गिरी और दाना कहीं और जा गिरा। चींटी उसे खोजने लगी, फिर उसे लेकर घर चल पड़ी। उसका घर अभी बहुत दूर था। दरवाजे के पास एक कुत्ता सो रहा था। जब चींटी उसके मुंह के पास से गुजरी तो कुत्ते को जोर से छींक आ गई। चींटी उछलकर दूर जा गिरी, दाना कुत्ते के मुंह के पास जा गिरा। चींटी संभलकर कुत्ते की नाक के पास पहुंची। कुत्ते ने एक आंख खोलकर चींटी को देखा। चींटी दाल के दाने को लेकर फिर घर की ओर चल पड़ी। उसका घर अभी भी बहुत दूर था। बाहर बरामदे के पास एक चूजा घूम रहा था। वो जगह जगह जमीन पे अपनी चोंच मार रहा था। अचानक उसे दाल का दाना दिखाई पड़ा। उसने दाने पर चोंच मारी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। चूजे ने फिर चोंच मारी। चींटी ने सोचा अब तो दाना गया। तब तक चूजे की माँ पपीते के पेड़ के नीचे से चिल्लाई, कुटकुट 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 कुटकुट। चूजा उधर भागा। चींटी अपना दाना लेकर फिर से चल पड़ी। उसका घर, अरे उसका घर तो अब सामने दिख रहा था। बच्चों कहानी तो खत्म हो गई। क्या आप दालों को पहचानते हैं? इस पुस्तक में चींटी को एक हरा अंकुरित यानी कि स्प्राउटेड मूंग दाना मिला। अंकुरित दालें स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। हम किसी भी दाल को भिगोकर अंकुरित बना सकते हैं, जैसे राजमा, सफेद चना, काला चना, मटर इत्यादि इत्यादि। आप दाल के दानों का एक खेल भी खेल सकते हैं। अलग अलग दालों के बारे में अपने मित्रों से साथ दाल के खेल खेलकर जानिए। घर के किसी बड़े से रसोई से विभिन्न प्रकार की दालों के दाने लेकर देने का अनुरोध कीजिए। उदाहरण के लिए राजमा, अरहर या तुअर, सफेद चना, सोयाबीन, साबुत मूंग और मटर के दाने, इन सब को एक बड़े कटोरे में डालिए। एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधिए, उसे दानों को छूकर पहचानना पड़ेगा। देखिए वो कितने दाने सही पहचान पाता है। ये खेल एक और तरह से भी खेला जा सकता है। सभी खिलाड़ी आंखें बंद करके दानों को अलग अलग करने की कोशिश करें और देखें कि इसमें कितने सफल हो पाते हैं। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ
www.books.speak.com पर। एरवा उड़ी।